डाबर अली खान आए। हाँ भाई, डाबर अली खान। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई बताइए। अच्छा, मैं बेसिकली आउट ऑफ द टॉपिक तो जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि मतलब स्पेसिफिकली ये चैनल मैंने पहली बार देखा तो अभी मेरे पास आया लाइव में। सो मतलब ये चैनल किस कौन से भाई का है, मतलब न्यूटन भाई का है या आजाद भाई आपका है, और किस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं यहाँ पे, अगर थोड़ा पता चल जाए तो? ये सभी का चैनल है, आप बताइए आपको बात क्या करना है। बेसिकली आज आपने हिंदू से रिलेटेड बात करने को कहा है ना, मतलब आप, मैं तो मुसलमान हो आप, हिंदू, जी मैं मुस्लिम। ईमान वाले हो या गैर ईमान वाले? नहीं, गैर ईमान वाले तो फिर मुस्लिम नहीं होगा ना, मैं तो ईमान वाले ही। अच्छा, ईमान वाले हो। तो मोहम्मद के मोहम्मद बारे में क्या सोचते हो? वसल्लम को मैं अपना पैगंबर और अपना रोल मॉडल, आखिरी नबी मानता हूँ, मान रोल है मेरा मॉडल उनके पे, मानते ला हो? इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, ईमान है। अच्छा ये बताइए, डाबर अली भाई, जी जब मोहम्मद ने आयशा से शादी की, निकाह किया, जी कितनी उम्र थी आयशा की उस टाइम? पर्टिकुलरली कुछ जगहों पर 6 लिखा हुआ है, कुछ जगहों पर कैलकुलेशंस के हिसाब से मिसिंग हो सकती है, लेकिन हाँ मैं 6 साल को भी अगर मान के लेके चलते तो 6 जो लिखा हुआ है वो 6 इयर्स लिखा है। और मोहम्मद की उस टाइम क्या एज थी? रसूलुल्लाह के बारे में शायद अप्रॉक्सीमेटली 50, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अच्छा ये बताइए डाबर भाई, आपकी उम्र क्या है? जी मेरी एज 25 ईयर। अभी 25 है। आप और 25 ईयर निकल जाने दीजिए, मतलब जब आप 50 साल के हो जाएं जी या उसके प्लस हो जाएं। बताइए, अगर कोई कहीं से कोई ऑफर मिले आपको कि आपको 6 साल की बच्ची से शादी करना, आप करोगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा, जहाँ तक मेरी पर्सनल चॉइस है। हाँ, तो फिर आप ना उस मोहम्मद से ज़्यादा बेहतरीन इंसान हो, क्योंकि आप जानते हो कि आप किसी नाबालिग बच्ची से, जिस जिसके खेलने कूदने के दिन है, उससे शादी नहीं कर रहे हो। मतलब आप में मोहम्मद से 1000 गुना ज़्यादा समझ है, समझ रहे हो डाबर भाई? अच्छा, मतलब मैं यहाँ पर सोचिए कुछ कि बोलना आपका चाहूंगा। जो रसूल अल्लाह है, आपका जो मोहम्मद है, उसने सोचिए कि 6 साल की बच्ची से शादी कर ली, सोचिए, और आप उसको अपना आइडल मानते हैं, जबकि आप खुद में नहीं, आप ये पसंद नहीं कर रहे कि आप एक बच्ची से शादी करें। चलिए कोई नहीं मैं थोड़ा चाहेगा, इसका लेकिन जवाब सोचिए दे वो 6 साल की देता बच्ची से शादी हूँ। की है, और हाँ उनके साथ भाई, मैं भी तो उन्होंने उनके साथ भाई मैं संभोग भी कितने, सुनिए ना, उनके साथ संभोग कौन सी उम्र में किया आयशा के साथ? इसका मुझे मालूम नहीं 9 साल की उम्र में। सोचिए, 9 साल की भाई। उम्र में बच्चे होते, एक बच्ची के साथ जो 50-55 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो एक बच्ची के साथ सहवास कर रहा है, सोचिए, ठीक और है, उसको मैं आप इसका अपना जवाब दे आइडल मान दूंगा रहे हैं। मतलब देखिए, बच्चों की तरफ अट्रैक्ट होना भाई, मैं बोल पाऊंगा इसके यहाँ लिए पे नॉर्मल ही नहीं। होती है। सुनिए ना डाबर अली भाई, सुनिए ना, बच्चों की तरफ अट्रैक्ट होता है यदि कोई व्यक्ति, तो वो एक बीमारी, भाई अगर कैन आई किसी को है स्पीक तब नाउ है, तो उसको पीडोफाइल कहते हैं। तो भाई मोहम्मद क्या पीडोफाइल थे? भाई, कैन आई स्पीक नाउ? हाँ ना, बताओ ना, मैंने पूछा, उनकी जवाब हाँ दो। ठीक, भाई भाई पहले बात तो सुन लीजिए मेरे, आप बड़ी जल्दी में लग रहे हैं मुझे। पहली बात ये है कि मैं बात ही करने आया हूँ यहाँ पे, टेंशन ना लीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ सोशल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, और एकेडमिक डिबेट्स वगैरह ही हम लोग करवाते भी हैं यूनिवर्सिटीज के वाह भाई, अंदर। सोशल सबसे साइकोलॉजिस्ट पहली हो, चीज और मतलब मोहम्मद को जी, आइडल मानते हो, क्या बात है यार। मतलब इसका जवाब तो देने दीजिए, आप तो जवाब भी नहीं देने दे रहे हैं, तो तो मेरी बात बताओ सुने। ना पहली यार। चीज, मैंने अपनी आइडियोलॉजी यहाँ पे आके क्लियर कर दी। आपने मुझसे पूछ लिया हम आप मोहम्मद को क्या मानते मानते, थोड़ा बहुत मैं भी तो जान लूँ कि आप कौन हैं, आप किसको मानते हैं, क्या हिसाब है आपका। आप तो बिल्कुल एकदम मेरी सुनने के बाद और आप एकदम क्वेश्चन करने लग गए, अपने बारे में भी तो थोड़ा परिचय दो अरे भाई, भाई। उस पे देंगे ना, पहले इसके जवाब दे दो, फिर बिल्कुल नहीं, देंगे हम, पहले अब आपने क्योंकि मुझसे पूछ लिया, डायरेक्ट मैं आपसे हो जाएगी पूछ ना, रहा हूँ, मैं जवाब भी डायरेक्ट डिवर्ट दूंगा, हो जाएगी मैं ना, के जवाब बाद भी पहले जवाब दूंगा। दो ना भाई। सुनेंगे काफी ना रहेंगे भाई, लोग, सुने काफी मेरी बात सुने। रहेंगे हाँ लोग, तो काफी काफिर रहेंगे का लोग। मतलब अल्लाह नॉन को नहीं मुस्लिम, मानते ना, उसके काफिर का रसूल मतलब को नॉन मानते, अब तो मुस्लिम होता है काफी सर। रहेंगे। नॉन मुस्लिम का मतलब ये हो गया कि आप क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, आप हिंदूज भी हो सकते हैं, आप ज्यू भी हो सकते हैं, तो काफी की वो हु आर डेफिनेशन यू? क्या काफिर है? काफी का की डेफिनेशन डेफिनेशन बेसिकली क्या नॉन है? मुस्लिम, अ पर्सन हु डजंट बिलीव, नॉन बिलीवर। तो बस मैंने तो वही कहा ना, मैंने वही कहा ना, आई एम ए नॉन बिलीवर। भाई अगर नॉन नॉन बिलीवर बिलीवर है हर तो तरीके के होते हैं ना, वही तो ईमान है। के अंदर, मुसलमान के अंदर एक मोमिन होगा जो बिलीव करेगा। कहाँ अब एक लिखा हिंदू किताब भी में? नॉन किताब बिलीवर है, एक से क्रिश्चियन भी लिखा नॉन भाई, बिलीवर है,
बात आप नहीं सुन रहा किताब से हूँ। देख, आप सुने तो सही, सुन तो लीजिए सर, आप थोड़ा सा सुनने का भी तो पहली बार रखिए ना। ऐसा अरे थोड़ी है हाँ कि पहले जैसे वो बोल दिया, ये आप है कि बोलने लगे, मैं आप बोलने का मुसलमान चांस नहीं, ही दे रहे अरे हैं। रुको रुको, अरे हमारा मैदी भाई आ गया। हाँ चलिए, मैदी भाई आ गया। हाँ हाँ मैदी भाई आ गया। जनाब, कैसे हो आप? कैसे हो? ये बढ़िया जनाब। कैसे हैं? चलो ये आज यार मैदी आपकी भाई बात करा ही देते हैं। चलो ये क्या हमारे हालचाल पैनल मैदी मेंबर भाई? हैं, मैदी भाई से बात कीजिए, आपको सब बताएंगे। आज हम इनसे आपकी बात कराते हैं। जी मैदी भाई, जनाब, आप कौन आप से फिरके के पहले ताल्लुक रखते हैं? भाई, पहले मैं थोड़ा सलाम वगैरह कर लूँ, थोड़ा सलाम दुआ वगैरह। एक सेकंड होल्ड करें। हाँ डैडी, अभी चला क्यों? क्या हुआ, काम था? अरे भाई अरे म्यूट बैठ कर जाओ, लो कोई यार, इशू नहीं, एक किस मिनट। किस भाई ये सलाम दुआ करने लगे। मेहदी भाई क्या हाल चाल है यार, बताओ। जी, खैरियत से ये। हाँ न्यूटन जी, जब तक चले वो एक गए रेफरेंस भेजा है। रुको, मेरे आपका भी नेट तो वैसे ही चल रहा है जैसे मेरा। चलो हाँ मेरा नेट तो खत्म है ना आजाद, जब तो पता ही है। हाँ चलो, मैं ही दिखाता हूँ। हाँ भाई मेहदी भाई, बात करो इनसे। जी जनाब, आप कौन से फिरके से ताल्लुक रखते क्या हैं? ये म्यूट है शायद। अरे भाई, अनम्यूट कर लो यार, आपने म्यूट कर लिया है डावर भाई। ये अभी रुको यार, ये किसी से सलाम दुआ कर रहे हैं यार। किसी को जी जी काउंसलिंग वक्त दे रहे ले हैं आपके लिया। अली खान की। जी आवाज आ रही है मेरी? जनाब, आप कौन से फिरके से ताल्लुक मेहदी रखते हैं? भाई आप ही अपने तारुफ करा दीजिए। मैंने बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम, आई बिलीव इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। अभी तक ना न्यूटन भाई में इतना कूदा है, ना फिर आजाद भाई में, जो अपनी ये अरे बता भाई, सकेंगे पोजीशन क्या है। मेहदी भाई आप बता सकते हैं कि आप कौन है? अरे मैंने बता चुप दिया चुप आप चुप मुक्त भाई हो चुप। भाई। गूदा बूदा की बात नहीं भाई, यहाँ बदतमीजी नहीं करेंगे भाई, सब बताएंगे। अभी पहले भाई जवाब तो दे नहीं पाए आप भाई। प्रॉफिट का मजाक बना रहे हैं, मैं आपसे बहुत कमी से बात कर रहा था। आप नॉर्मली, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अरे एक भाई एकेडमिक तरीके देखो, से, यहाँ आपने पर मुझसे पूछा मैं कौन देखो, है, यहाँ पर मैंने बताया मैं बदतमीजी मुस्लिम, करोगे तो फिर बदतमीजों मैंने को आपको हम यहाँ पर ना सीधा ना सा आप भगा देंगे, ऐसे सीधी बिना बात है। बोलकर आप मुझे बोलने का दे रहे हैं। आप बदतमीजी थोड़े हैं, आप सुनने के लिए आपने टुन्नियों के लिए रखी अरे हुई भाई है, तब कोई बात से नहीं। सुन ना, मैं आजाद आपको जी, सब ये मेहदी मैं भाई से कुछ बात करना, कॉलेज साहब से चलिए ये ले, अरे बता साहब चुके हैं आप ना यार, बहुत काफिर प्योर हैं हम, फिर भी समझ नहीं आ आइडियोलॉजी, रहा। तो यार वो आपकी बहुत परेशानी है ना प्योर आइडियोलॉजी भाई, आपकी भाई। हम आइडियोलॉजी एथिस्ट क्या हैं, है? एथिस्ट, एथिस्ट वो भाई, एथिस्ट हैं हम। हाँ तो ठीक, अब बात करें ना एथीस्ट है, अब आप एथीस्ट पे बात करें तो हाँ जो चलिए, मेहदी जवाब भाई दीजिए कह आप रहे हैं पहले, ये जो भी जो एथीस्ट, पूछा वो। ये भी ये एथीस्ट है बताएं, ये लिखा है सही अल बुखारी भाई 568, ठीक भाई है, न्यूटन भाई, इसमें न्यूटन लिखा भाई। है। अभी बात बड़ी जल्दी है यार नहीं आप नहीं लोगों मेरे में, को इसका मैं जब जवाब से कह रहा हूँ चाहिए, आप ये एथीस्ट मुझे हैं। इसका अरे जवाब इसको चाहिए जवाब चाहिए चाहिए। ना, क्योंकि यूरेन अरे वाला, जब आप यूरेन वाला मैटर चल रहा ना जमीन, नहीं भाई, नहीं हम तो यूरिन वाला चैप्टर, हम जमीन यूरिन वाली बात करेंगे अब। अभी ये देखिए, अरे इतना मैं आपको बौखला जवाब कर रहे हैं दूंगा, डबर भाई, जमीन को तो बहुत मतलब प्योर बात बता करने दिया। की हिम्मत नहीं है क्या ये तो आपकी? सच्ची, रुक तो ये जाइए तो भाई, अपनी किताबों रुकिए से ना क्यों भाई, भाग रहे हैं? आप इतना देखिए बौखला मैं क्यों रहे हैं? आप बात, अपनी किताबों से भाग क्यों रहे हैं भाई? आप मजा लेने आए थे कि भाई यहाँ पर हिंदुओं की पोल खुल भाई रही है, मैं आप मजा लेने आए थे, अब थोड़ा रुकिए ना अनम्यूट भी नहीं छोड़ सकते। ये है एथीस की प्रोबेबिलिटी, भाई। ये पोजीशन है कि वो अनम्यूट भी नहीं छोड़ सकता। मैं अरे आपसे भाई बात कर रहा पॉइंट हूँ पे बात जरूरी, करो, अनम्यूट ही छोड़ा हुआ है भाई, तो पॉइंट पे बात जवाब करो, तो म्यूट आपसे भी कर इवन दूंगा दिया क्या, नहीं, बैन भी कर आपसे जो दूंगा पूछा क्या, आपने जवाब म्यूट दिया। दो दो अरे म्यूट चुप बहुत तो है। जाओ मेरे भाई, आप यही तो आपकी परेशानी, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो किसी भी चीज का। मैंने जवाब जो की पूछा ना परेशानी मैं उसका सुन नहीं जवाब दिया, सकता, तो आप आप एक जवाब एथीस्ट देंगे? हो, मैं आप एक बिलीवर हूँ, जवाब देंगे? हम दोनों के बीच में डिफरेंस है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे आप उसको बात ही नहीं कर सकते। यू डोंट हैव द कहां से? करेज ऑफ मुझे दैट। मुझे अभी अच्छा यूरिन पे साहब, बात ये करनी वो है। यहाँ पे पहली बार होता है। अरे पहले हम यूरिन पे अनम्यूट बात इज न्यू करेंगे, अभी रियलिटी। दिस अरे भाई इज हम गॉड पे जवाब बात जवाब करेंगे, मतलब जवाब ये है देने कि की आपने हिम्मत अभी तक है, कोई दलील दी नहीं कि वो इसलिए तो यार ये है मूर्ख, नॉन पता स्टॉप नहीं यार, बोले जा मतलब रहा है यार, ये यार, मतलब मूर्ख फिर नहीं यार लग ना, रहा है? इनको फिर रेल, फिर से इनकी रेलम रिलाई करने में ही मजा आता है साले। मतलब जहां भी देखो सी भरे पड़े हैं, मतलब यार ये ना पूरा पेशेंस तोड़ देते हैं यार, हद कर देते हैं ये साले। कॉन्स्टेंटली बोले ही जा रहा है ये। मतलब उस बंदे से मोहम्मद के बारे में पूछा, उसने जवाब नहीं दिया, किसको पता नहीं कौन सलाम दुआ करने लग गया, अब वो डाइवर्ट कर दिया। अब उससे भाई यूरिन के टॉपिक पे बात थी, उसको कैमल का ऊंट के बारे, ऊंट के मूत्र के बारे में बात करने की, न्यूटन सर ने दिखाने सही अल बुखारी दिखाई, उससे भाग रहा है। अरे भाई कहाँ, मतलब तू स्टिक तो रहा किसी एक पॉइंट पे, डिबेट करने आया तो इतना तो सेंस होना चाहिए कि डिबेट में किसी टॉपिक पे कुछ पूछा है तो जवाब दे भैया, कैसी डिबेट करेगा भैया? हाँ भाई बात करना है या फिर ऐसे ही जलेबियां बनाना है डिबेट गोल गोल? करने आए हो सर? सुनो, डिबेट करने तुम भी आए हो ना, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दोनों की पोजीशन। भाई तू आया है, हमारा ये चैनल है, डिबेट करने हम नहीं आए, हम मूट का हमारा मूट ये का प्योर चैनल है होगा तो ये यार मूट, हम हमारे ना, क्योंकि ये रसूल अल्लाह पीते थे।
पहले सीधी बात, न्यूटन जी, ना। अगर ये बंदा जवाब देगा तो ठीक है, नहीं इसको सीधा भगाते हैं, कोई मतलब नहीं अगर है ये यार। अगर ये मतलब नहीं बोल रहा है मतलब ये सुन्नत को नहीं मानता जवाब दे रहे हो कि आपने, नहीं? अबे तुम्हारे पे ऊंट का भूदा मुंह नहीं बात पियोगे, करने का, समझे भाई? यहाँ से ऊंट का मुंह पियोगे नहीं तो आप सुन्नत को नहीं तुम से मानते मैं हो ना बात कर रहा भाई। हूँ अकेडमी में। देखो न्यूटन भाई, तब तो न्यूटन भाई अकेडमी ये बात, मतलब एकेडमिक बात मोहम्मद है, जी की सुन्नत को ये नहीं मानते एकेडमिक भाई। बात है। न्यूटन मोहम्मद पे सवाल पूछा तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो भाई भाई? अकेडमिक बात कर रहा हूँ, सुने आप तुम्हारे डिबेट के अंदर लिए भूत पूछ रहे नहीं हैं, है? मैं डिबेट डिबेट की के बात लिए कर रहा हूँ भाई, अरे मैंने इसके अकेडमिक किताबी खोली थी भाई। अंदर, अरे भाई गूदा नहीं है तुम्हारे अंदर। सवाल का जो जवाब मांगा जा रहा है उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो, क्या गूदे भाई की बात पहले कर आप रहे हो? गूदा डिबेट तुम्हारे यार, अंदर डिबेट बिल्कुल भी यार नहीं है। बहुत है उसको यार, सुनो ना डिबेट मेरे भाई, मोहम्मद करने बहुत का ठरकी तो था भाई, सीखो आप, मोहम्मद बहुत बहुत ज्यादा ठरकी था यार, बहुत ठरकी था यार आप अपनी मोहम्मद, बहुत पोजीशन क्लियर ठरकी नहीं था कर पा रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ मैं बेटीज मोहम्मद क्यों बहुत हूँ, ठर... डू वाई मतलब डू मैदी भाई, मोहम्मद ठरकी के अलावा वो पीडोफाइल भी था कि नहीं भाई? वो जी। मतलब वो अच्छा सोचिए कि एक बार अजान मशहूर किस्सा है कि वो रास्ते से जा रहा था तो उसको एक हाँ बच्ची दिखी, छोटी सी दूध पीती हुई बच्ची कुछ साल की, तो वो कहता है जब ये बड़ी होगी मैं इसके साथ हमबिस्तरी करूंगा, इसके साथ शादी करूंगा मैं, इतना कोई बगैरत था मोहम्मद। इतना वगैरह थे। और ये देखो एकेडमिक डिबेट वाला बंदा ये बात ही नहीं कर रहा भाई मोहम्मद पे। अरे भाई बताओ ना, मोहम्मद रुकी है आजाद भाई, पहले आपको पीडोफाइल था पता नहीं भाई? पोजीशन सेट होती है, आपकी पोजीशन ही सेट नहीं है। आप मुझसे कह रहे हो एथीस्ट है, मुझे बात करनी रसूल अल्लाह पर। अगर आप एथीस्ट हैं मेरे भाई तो बी वेरी ऑनेस्ट, आपको सबसे पहले ये मेरे से मेरा आपका डिसएग्रीमेंट किया कि आई बिलीव इन गॉड, यू डू नॉट बिलीव इन गॉड। आप साबित कर देंगे कोई गॉड नहीं है, मैं भी मानना छोड़ दूंगा। आज यू का बिलीव इन टॉपिक क्या है अल्लाह भाई एंड वैसे आज? मोहम्मद, यू डू नॉट बिलीव इन गॉड। तो मेरे भाई आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे ट्रस्ट हाँ करते हो ये जब बात आप सही बिलीव है। ही नहीं करते गॉड अल्लाह में? को गॉड में भाई, बहुत बड़ा फर्क है अरे मेरे भाई, वो अपने कुरान से तो गॉड अल्लाह नाम में दिखा दो, अपने तो कुरान से है, गॉड यू नाम, अपने बी कुरान से गॉड मैंने नाम दिखा दो मुझे, अल्लाह और मोहम्मद बोलो मैंने ना, अरे गॉड अरे अलग है भाई अल्लाह न्यूटन अलग सर है। बिल्कुल सही कहे भाई, तुम तो अल्लाह में बिलीव करते हो ना, गॉड में भरोसा ही नहीं करते हो तो भाई। और पहले देखो ना ये भाग रहा है असल में, टॉपिक से भाग रहा है न्यूटन जी, मोहम्मद के टॉपिक से भाग रहा है भाई। देखो आपको एग्जिस्टेंस अगर ऑफ मैं गॉड पे अगर बात करना है, सुनने भैया, अगर आपको एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात करना है तो नहीं, पहले जो एग्जिस्टेंस हमने ऑफ आपसे अल्लाह पे क्वेश्चन बात पूछे, होगी ना हाँ जी, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड नहीं, उसी पे एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, वो एग्जैक्टली, भी हाँ कुरान से साबित करना एग्जिस्टेंस ऑफ होगा। अल्लाह पे बात होगी ना, गॉड तो भाई इनका है ही नहीं, गॉड तो इनका है ही नहीं। तो भाई एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह पे अगर हम बात करें तो उससे पहले जो बेसिक सवाल तुमसे पूछे, ये आपको मना कर देना था कि भाई हम इन चीज का जवाब नहीं देंगे। जब सवाल पूछ लिया गया है तो भाई आप जवाब नहीं दे रहे हो, जवाब दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, कर लेंगे भाई एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह पे बात। बताओ भाई अच्छा ठीक है, अब मुझे सिर्फ 1 मिनट देना, सिर्फ 1 मिनट, बिना इंटरप्ट करे, जवाब, ओके? जवाब चाहिए भाई, आप बोल जवाब, रहे हो, जवाब देखो चाहिए, ये आपका कैलिबर है कि जवाब आप ये चाहिए, फेस नो नहीं कर सकते जलेबी मैं अपने भाई। दिल अरे भेज रहे हो, कोई बात नहीं, भाई इतना डर नो लगा होगा, जलेबी, लेकिन 1 मिनट। नो जलेबी भाई, जवाब दो भाई, जलेबी नहीं चाहिए हमें। देख यार भाई, देख फालतू में मेरे खतने से का यार ज्यादा असर बुलवा हो मत गया है, है, खतने के ज्यादा असर हो गया भाई इस पे। हाँ अजीम भाई भी आए हैं भाई, बताओ। हाँ भाई चल हाँ चल अजीम भाई से बात कर जी। ले, तो बदतमीजी मत करना यार अरे अजीम भाई यार, जय भीम, बदतमीजी जय करा, लेकिन बात तो ढंग की कराना रहे आजाद यार, मत कर यार, मैं क्या बदतमीजी मत करूंगा कर सीधी सी यार, ऊंट का तुम मुंह यार पीने तुम मैच वाले का तू दे नहीं पाएगा, ईमानदार इसलिए व्यक्ति से बेहतर है बात यार करता तुम हूँ बात मैं। कर ले यार। चल मैं म्यूट पे जाता हूँ, बेहतर है यार, वरना मेरे से खामा खा रिला नहीं जाएगा नहीं और मैं मैं जाता तेरे हूँ, को मैं जाता अभी हूँ, मैं जाता हूँ। बदतमीजी से जो तूने किया ना, इतना बदतमीजी से रेलूंगा फिर तो तू रोएगा यार, ये ना तेरा जी पूरा। सभी, हाँ जी, जय भीम सभी को जी। क्या जय मुकदमा है भीम भाई, भाई, अजीम दीवार भाई क्या अली खान आजाद जी। जी हाँ करो यार, हम लोग तो बढ़िया म्यूट पे, बढ़िया, अजीम भाई आप बात करो यार, हम लोग म्यूट आजाद पे भाई हैं आप क्योंकि प्लीज वो। खामोश हो जाए यार, प्लीज खामोश हो जाए, ठीक है? आदाब अजीम भाई, भाई क्या आदाब, हाल चाल? बढ़िया बढ़िया भाई, आप बताइए जी, क्या अजीम भाई मुकदमा है मैं आपका? जी, मैं बता रहा हूँ, मैं नॉर्मली स्क्रॉल कर रहा था, और शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, वरना इन तीनों में तो तक उतर नहीं, था। आप बात मैं रखिए अपनी, आप अपनी बात जी, मैं रखिए बता रहा केवल। हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा था अजीम भाई, तो मैंने भाई की स्ट्रीम देखी, तो मैंने ऐड हो गया, क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था कि चैनल किसके लिए क्या है। मैं ऐड हो गया, मैंने कहा शायद देखते हैं कि क्या बात चल रही है। भाई ने मुझे बताया कि वो मतलब हिंदू से रिलेटेड स्ट्रीम कर रहे हैं, तो मैंने ये बात बोली भी थी, और जो इंसान वीडियो रिवाइंड करके सुनेगा उसे दिख भी जाएगा, मैंने बोला था मैं ऑफ द टॉपिक नहीं जाना चाह रहा, आज हिंदू के लिए आपने डिबेट करी है, मैं वहां से निकलना चाह रहा था। लेकिन इतनी देर में भाई ने मुझसे पूछ लिया कि आप ईमान वाले हैं, मैंने कहा जी, सब कुछ मुझसे पूछा क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मानते, मैंने बताया देखिए कि मैं ईमान वाला सुनिए 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 भाई, हूँ। असल जी में ये हिंदुओं के लिए नहीं है, असल में इनको इस्लाम के बारे में नॉलेज नहीं है, ये रेशनल बिल्कुल लोग हैं, एथिस्ट लोग हैं, तो इनकी नजर में या हमारी नजर में, हम भी एथिस्ट हैं, हम भी जी मुर्तद हैं जी भाई, हमारी नजर में सारे कोई इस्लाम नहीं, कचरा है, सारा के सारे मजहब कचरा है, इवन इस्लाम भी, ठीक है? ठीक है फाइन। अगर ये इस बात का आज लेकर के बैठे हैं टॉपिक के गोमूत्र के फायदे बताइए,
तो यही बात अगर आप आकर के कहेंगे तो आप अपने इस्लाम को डिफेंड भी करेंगे ना यहाँ पर, कि इस्लाम कैसे बेहतर है हिंदुइज्म से। बिल्कुल एग्जैक्टली अजीम भाई, मैं तो आप बिल्कुल भी एग्री कर मान रहा हूँ आपसे। आप भी ये मानते हैं कि इस्लाम भी कचरा है? नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ इस बात पे कि आपने ये वाली बात बिल्कुल ठीक बोली। आपने इन्होंने आके मेरे से मेरी आइडियोलॉजी पूछी, मैंने बता दी। फिर मैंने नॉर्मली पूछा, मैंने कहा ठीक है आजाद भाई, आपने मुझसे पूछ लिया। अब देखिए फर्ज ये अरे बनता है एक व्यक्ति का, टीम ठीक प्लीज है, आगे बढ़िए। आप इतनी ज्यादा जो है बात ना करें। देखिए मैं क्या कहने आया था, अभी आपका पेशाब मुबारक को लेकर के बात चल रही थी। क्या आप नहीं जानते हदीसों में ये बात लिखी हुई है? मेहंदी भाई जरूर बताएंगे इस चीज को, कि अच्छा साहबा अजीम भाई, इकराम, ये जी मौलवी जी है सुन लीजिए, पाकिस्तान पहले वाला? सुन लीजिए, कि मोहम्मद साहब जब पैखाना मुबारक करते थे यानी जब पोटी करते थे, तो साहबा इकराम उनके नीचे हाथ लगा दिया करते थे और उसको खाने के लिए झपटे और उनका पेशाब मुबारक पीने के लिए झपटते थे। क्या ये बात आपने नहीं पढ़ी या आप नहीं जानते? नहीं, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं पढ़ी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल नहीं रहा पढ़ी हूँ। ना, लेकिन दिक्कत यही है, दिक्कत अजीम भाई यही एक है मिनट, अगर आप इस्लाम ये में भूलिए तो मैं भी। आपसे तवक्को करता हूँ, आप एक मिनट सुनिए मुझे सुनिए दीजिए। सर, नहीं, आपने बहुत टाइम ले लिया, 2 मिनट की बात नहीं है। मैं सर बोला भी इस्लाम नहीं में है, भी मुझे सुनिए बैकस्टेज ना, करा गया है भाई। आप हिंदुइज्म पर इल्जाम जब लगाइए जब आपका इस्लाम इतना मैंने पाक नहीं साफ हो। लगाया इल्जाम, ठीक है, मैं बहुत आप देर मेरे से पे आपकी स्ट्रॉमैन स्क्रीन देख रहा क्यों? हूं सर। नहीं, आप मैं बहुत, इल्जाम नहीं लगा रहा, आप मैं पता यही क्या कह रहा कर हूँ रहे गुस्से हैं, को। आप वाटाबाटरी कर रहे हैं, आप बार बार जो है वो बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है, आपसे तमीज से बात की जा रही है, आप तमीज से बात करें मेरे भाई। आप जो यहाँ पे आपसे मैंने बदतमीजी बदतमीजी करी? दिखाएंगे ना, सुन, मुझसे नहीं आपसे किया मैंने आपने, आप बदतमीजी आजाद भाई से कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात को। आप जो यहाँ बदतमीजी कर रहे हैं, तू तड़ाक कर रहे हैं, इससे आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इतने सारे लोग भाई? देख मैं रहे ये हैं, वो क्या बिल्कुल सोचेंगे ठीक आपके है, बारे में, मैं आपसे तवक्कु रख रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैं आपको एक बात मुसलमान कौम के बताता बारे हूँ, में क्या सोचेंगे, कि आप लोग बदतमीजी मैं करते हैं आपकी भाई। बात फाइनल करता हूँ, लेकिन एक बात बताएं, जो आजाद भाई कर रहे हैं उसको लेके एथिस्टिक लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? आजाद भाई बैकस्टेज कर जा रहे हैं बार बार, वो कह रहे हैं वो पहले मेरी करेंगे बात ना, का हाँ या ना का जवाब दो। अजीम जब भाई आप बात नहीं सुनेंगे, उनकी हर बात को काटेंगे, तो वो तो करेंगे ना भाई, नहीं, सुने, चैनल ये बात उनका हक है। नहीं होती अजीम भाई, ये बात हक नहीं होती कि आपने मेरी पोजीशन सुनिए जानी और अपने लिए बता रहे हैं, सुनिए भाई साहब, ये कोई हक सुनिए नहीं ना, होती अगर आपको बात हक और बेहक की है, तो आप अपना चैनल बना लीजिए, वहां पर जाकर के आप भाई। पे लिए सब एथिस्ट को, मेरा चैनल तो आप है वहां पर और जाकर मैं के एथिस्ट काफी को पे एथिस्टों को लिए वहां पे ना। इस्लाम में ला चुका चलिए, हूं आप मैं हमें काफी, मैं दावत नाम दीजिए गिनवा इस्लाम सकता हूँ। की, चलिए आप हमें इस्लाम की दावत दीजिए, हमें कन्वर्ट कीजिए आप मैं वापस से। दावत यहाँ पे नहीं देना, मैं पहली बात, मुझे अगर आप मुझे दो, देखें आपने भी आके बोला, मैं आपसे बहुत तमीज से बात करूँ, आपका मैंने आपसे चैनल बहुत तमीज से है बात यार, देखो अभी तुम्हारा झूठ करूँ। पकड़ा गया, अभी अभी आपका झूठ पकड़ा गया, आपका चैनल, और आप इस्लाम में वापस ले, और आपको इन बातों का नहीं पता कि रसूल की पेशाब पखाना हाँ मुझे मुबारक नहीं पता, खाने और पीने जरूरी के लिए थोड़ी है लोग कि बाग तीन जो है साल कोई झपटते थे। हाफिज़ुल अच्छा कुरान है, मैं तो हाफिज़ुल कुरान भी नहीं हूँ। तो ये कौन सा आपने अच्छा उसूल अच्छा निकाल लिया कि कोई क्या हाफिज़ुल यार, कुरान आप ना इस्लाम की आप दावत दे दोगले सकता पने है? की बात कर रहे हैं भाई, भाई ये मैं दो, दोगला ये पना नहीं, होता आपके है? पास ऐसी कोई हदीस है अजीम भाई कि सिर्फ बिल्कुल है, हाफिज़ुल बिल्कुल कुरान है, इस्लाम की सुनिए दावत दे सुनिए मेरी सकता बात सुनिए। आपने एक हदीस तो आपने भी सुनी होगी कि रसूल अल्लाह सोते वक्त जो है पेशाब का कटोरा रखते थे अपने बेड के नीचे और रात को उसमें पेशाब करते थे। सुबह के टाइम में एक बार जो है जुआरिया ने उससे पेशाब पी लिया पानी समझ करके, तो रसूल अल्लाह क्या फरमाते हैं कि तुम्हें अब दोजक की आग जला नहीं सकती, अब तुम जन्नत जाओगे। यानी कि रसूल के पेशाब में वो ताकत थी कि वो किसी भी को भी जन्नत में ले जा सकते हैं। है, ठीक। अब मानते हो आप इस हाँ, ये बात मैंने को? सुना, ये मैंने सुनी है, टू है बी ना, वेरी सुना है ऑनेस्ट, ना, कि वो नहीं रसूल, सुना यानी कि रसूल ने मोहम्मद साहब ने उसे पेशाब पिला दिया, यानी उसने एक्सीडेंटली पेशाब पी लिया, तो रसूलुल्लाह जी। ये बात बोल रहे हैं कि अब तुम्हें जन्नत जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, है, अब कोई मैं थोड़ा लॉजिक है जवाब इस दे रहा चीज हूँ का बात भाई? का। सुने मेरी अजीम भाई, मेरी बात सुने, हाँ जरा बहुत अच्छी लगी आपसे बात करने। एक तो जी, प्रॉब्लम ये है कि मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा, लेकिन पहली बात, क्योंकि आप एक मुर्तद हैं और आपने इस्लाम छोड़ दिया है, तो आपकी कोई ना कोई बिल्कुल आइडियोलॉजी होगी उस पे, और इस्लाम नहीं, की बात एथिस्ट करते हैं हम। आइडियोलॉजी है भाई हमारी, सीधा सीधी बात है, कोई आइडियोलॉजी हाँ, नहीं मैं है। आप वही बता रहा हमें हूँ, पता है, हम एथिस्टिक साइंस पढ़ते हैं, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें पता है कि कुछ नहीं है, सब सब बकवास है, सब मैन मेड है। सर मुझे एक मिनट तो दे देना बोलने के लिए, एक अब मिनट तो दे देना। आपने बोला, मैंने खामोशी से सुना ना, अब मुझे एक मिनट तो दे दीजिए, आप ठीक है? एक मिनट मत बोले, आप अपनी बात वरना रखिए लोग ये ना सोचेंगे कि भाई, एथिस्ट लोग स्ट्रीम सिर्फ में बहुत हिंदुओं को सारे दबा लोग रहे हैं, हैं, जब सुनिए मुसलमान आते हैं तो सुन उसे बोलने नहीं देते। भैया, बहुत सारे लोग हैं स्ट्रीम में, सबको मौका मिलता है, आप अपनी मेन मेन हाँ बात मैं रखिए। एग्जैक्टली मैं ये बता रहा हूँ, मैं नहीं, टू बी अच्छा ठीक है, आपको नहीं रखना, आपको डिबेट करनी है, आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं। लेकिन जो अरे जो भैया, न्यूटन भाई हमें बोल रहे डिबेट थे ना नहीं कि हाँ करनी या ना है, का हमें जवाब दीजिए, डिबेट नहीं न्यूटन करनी है, भाई हम मैं तो। आप, यार डाबर भाई देख, असल बात बताऊँ ना यार, तुम्हें सब पता है, तुम यहाँ पर ना बार बार चैनल 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 मतलब 200 सब्सक्राइबर लेके बैठे हो, अभी 26 वीडियो डाले हैं तुमने, और तुम बात कर रहे हो यहाँ पर बार बार चैनल 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 चैनल, मतलब क्या तुमने उखाड़ लिया अभी भाई? मतलब चैनल प्रमोशन के लिए आए हो तो बता दो यार, मतलब चैनल ही प्रमोट कर आजाद देंगे भाई, तुम्हारा।
बात आजाद बात भी भाई कर लेना यार। असल में। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने सही बात अजीम भाई, पकड़ी है। आप कितनी बार बोल चुके हो यार कि आपनी बात रखिए। वो बंदा 2 मिनट 2 मिनट करता रहता, 2 मिनट करके फालतू फालतू समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन जो बिल्कुल पॉइंट है उस पे स्टिक न रह के वो बात नहीं करेगा। 2 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए। अरे बिल्कुल भाई अपनी पॉइंट रखो, अजीम भाई ने क्वेश्चन किया, सीधा आंसर करो। 2 मिनट और 10 मिनट की बात ही नहीं है। बस बस बस, इतने पॉइंट सारे लोग मेरा ये पीछे है बैठे कि हुए हैं। अब मैं बिलीवर हूँ, अब मुझे पॉइंट रखने दीजिए। ओके, मेरा पॉइंट ये है कि आई एम अ बिलीवर इन इस्लाम, आई बिलीव इन अल्लाह एंड रसूल अल्लाह। मैं रसूल अल्लाह पे भी इसलिए मानता हूँ क्योंकि अल्लाह पे मानता हूँ। तो आप लोग पता है क्या कर रहे हैं, आप पहला स्टेप छोड़ के तीसरे पे चढ़ रहे हैं। ज्यादा लंबी टांगे खींचते हैं तो फिर चिढ़ जाती है। मैं कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड चलो गियर अब डालो। स्टेप बाय आप स्टेप अल्लाह को चलते नहीं हैं। मानते, सुनो, अब आपकी बात आप सुन अल्लाह ली को ना नहीं मैंने, अब मानते आपका यार, पॉइंट आ गया। सुनिए सुनिए, आपका कमाल पॉइंट आ गया। करते हैं कसम। सुनिए जी सुनिए, बोलो अब सर। आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? जवाब दीजिएगा, पर ज्यादा लंबा नहीं खींचिएगा, ठीक है? छोटा सवाल है, छोटा जवाब दीजिएगा। अल्लाह है ये कौन बताता है आपको? मेरी अकल सोचने अकल? अकल में कहां से आया आपको? सोचा कहां से? कुरान से आया ना। से नहीं, मैंने सोचा कि कोई ना कोई बनाने अच्छा वाला होना सोचा तो, चाहिए, अच्छा अकल में अल्लाह ही क्यों आया, शंकर भगवान क्यों नहीं आए? क्योंकि मैंने उनकी आइडियोलॉजी पढ़ी, मुझे लॉजिकल नहीं लगे। आइडियोलॉजी पढ़ी है आप? एक्सीडेंटली मुसलमान पैदा हुए हैं? नहीं, मैं एक्सीडेंटली मुसलमान हूँ। आपने अगर कैसे आप, कंज्यूम कर अगर लिया आप अकल में? हिंदू घर में पैदा होते तो आपकी अकल कहाँ जाती, या क्रिश्चियन घर में पैदा होते तो अकल कहाँ मेरी जाती अकल आपकी? सर, सुने मेरी बात सुने। अब आप जो सवाल पूछे उसका दो थोड़ा लंबा टाइम नहीं, अरे लीजिए। भैया मैं सीधा थोड़ा सवाल अजीम पूछ भाई, रहा हूँ इसे आपसे। पूछिए जी शंकर के बारे में क्या क्या पढ़ा इन्होंने, कहाँ से कौन से पढ़ा? पुस्तक से हाँ पढ़ा, वो भी। हाँ वो बता दीजिए। मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ पे सारे लोग हिंदू, ठीक है। मैंने शंकर जी के बारे में यही पढ़ा है कि वो एक डीटी है, एक भगवान है, और उन्होंने उनका एक जिस्म है, और वो जो है वो शंकर जी के और गणेश जी का किस्सा नहीं जो मैंने वो पढ़ा बात मुझे नहीं है, लॉजिकल नहीं लगा वो सर। पढ़े मुझे कहाँ से आप, कौन सी किताब से पढ़े? बात वो है, लिटरेचर की मुझे बात मेरे कर रहे हैं। मैं कौन का मुझे साहित्य मेरे कहाँ से फ्रेंड पढ़ा ने आपने बताया उनके बारे उपाध्याय में? ने, मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया जतिन उपाध्याय ने। क्या प्रॉब्लम उसमें? आप कहना मतलब चाहते हैं कि आपने वो नहीं आपने पढ़ा? पढ़ा नहीं मतलब ना आपने जी नहीं आप पढ़ा, कहा? मतलब आपने पढ़ा नहीं। हाँ अजीम भाई बात, आप जलेबी कौन बना रहा है आपने आजाद पढ़ा ही भाई? नहीं ना, आपने पढ़ा नहीं ना भाई, बात तो वही है तो ना, सर मेरी, आपकी अकल मैंने नहीं लगा बता रही कि है आपको, मुझे आप मैंने एक्सीडेंटली भाई बने। अच्छा सुनिए ना, मेरी बात आप, सुनिए ना, मोहम्मद साहब भाई नबी हैं ये बात आपको कहां से पता चली? ये बात मुझे इसलिए पता चली कि मुझे इस्लाम लॉजिकल लगा, तो मैंने इस्लाम के हर एस्पेक्ट पे बिलीव नहीं, करा। कहां से पता चली, कहां लिखा है इस बात का भाई? अरे मेरे भाई, मैंने इस्लाम को पढ़ा, मुझे इस्लाम कहां लॉजिकल पढ़ा, लगा, कहां से मैंने पढ़ा, उसको क्या एक्सेप्ट क्या करा, पढ़ा, किस चीज में पढ़ा आपने, मैंने इस्लाम को पढ़ा। कहां पढ़ा, क्या मतलब कई सारे टीचर से पढ़ा, एक टीचर नहीं है, कई सारे का टीचर से क्या पढ़ा पढ़ा आपने, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, पढ़ा क्या आपने, आप ये बताइए ना। कि हम हमें कोई ना कोई बनाने वाला है, और वो हमेशा से था, वो एक है, ये ना वो कहां पैदा लिखा हुआ ना हुआ खत्म है, हो रहा ये कहां है लिखा सर। हुआ है भाई? मुझे यार बीच में आप इंटरप्ट या अरे करेंगे भाई तो हम प्लीज सीधा सॉरी सीधा मुझे, पूछ रहे मैं हैं कहां लिखा हुआ है, सीधा कहां ही से बोल पढ़ा रहा आप, हूँ कहां बोल भाई, रहे हो आप मेरा सीधा ही सीधा? पढ़ा। मैं कह रहा हूँ कई टीचर से किताब का पढ़ा, अब नाम आपने मुझे बताइए ना, क्या कहां पढ़ा? से आपको चीजें पता चली बाबा, अरे जब क्या हरज किताब है? से, मैंने कई टीचर से पढ़ाया तो मैं आपको क्या बता तो रहा हूँ, आप जबरदस्ती किताब लिया है बीच में। मैं कह रहा हूँ मैंने कई इसका मतलब टीचर से ये पढ़ा है, है। अरे सुनिए आजाद भाई, न्यूटन भाई, सीधा सीधा मतलब ये कि ये सुन के ही मान लाए हैं भैया, इन्होंने कहीं पढ़ा नहीं है, ठीक है? अजीम पढ़ा भाई होता तो असल बता में ये देते। शुरुआत शुगर में मनाइए जब मत, ये डाबर भाई आए ना तो इन्होंने कहा कि जी ही बिलीव इन शुगर एकेडमिक मनाइए कि मैं डिबेट, और अब खुद ये ईमान एकेडमिक लाया डिबेट से भाग रहे हैं, मतलब इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, ये हूँ। बताना नहीं चाह रहे हैं। अच्छा आजाद बात भाई ऐसी मुझे है, अब आप मुझे, इन्हें म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए इन्हें, ये हाँ ना टाइम अजीम खराब भाई, करने के अजीम लिए भाई, आए। अजीम भाई, अजीम भाई आजाद तुम भाई रेडी हो ना? आप सुनो इन्हें ना, म्यूट कीजिए 1 मिनट के लिए, म्यूट कर दिया। आप म्यूट हाँ कीजिए, चोंच दबाओ इनकी। देखिए बात क्या है, सभी व्यूअर सुनिएगा, कि अल्लाह है ये कौन कहता है? मोहम्मद, मोहम्मद नबी है ये कौन कहता है? कुरान। अल्लाह का सबूत कहाँ है? कुरान। मोहम्मद नबी है, सबूत कहाँ है? कुरान। कुरान किसने लिखा है? नबी ने। मतलब ये एक ऐसा सर्कल है जो कि आगे पीछे घूमता रहता है बस, केवल, कहीं कोई प्रूफ नहीं, कहीं पर भी कोई किसी तरीके का एविडेंस नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह एक है, अल्लाह तुम्हारा खुदा है, कौन कहता है? कुरान। कुरान किसने बताया? मोहम्मद ने। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ये कौन कहता है? कुरान। कुरान किसने बताया? मोहम्मद ने। ये यहीं पर ये सर्कल घूमता रहता है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, इस्लाम सिर्फ यही है, बस खत्म, लास्ट एंड हो जाता है इस पर। जी अजीम भाई, एक्चुअली ही इज प्लेइंग वेरी हाँ स्मार्टली, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है कि अभी कोई भी एकेडमिक रेफरेंस पे हम जाएंगे, कुरान बोलेंगे, और अगर कोशिश करेंगे जैसे कि ये रेफरेंस हमें यहाँ से मिलता है, ये चीज हमें यहाँ से पता चलती है, तो जी, फिर आप भरोसा सिंपल सा सवाल उससे करोगे कि भाई आप फिर उसमें भरोसा करते हो? अगर जाहिर करते हो, तौर सही पे है, बात है, उसको 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 कहना पड़ेगा कि हाँ भरोसा करते हैं, और फिर उसके और बिल्कुल रेफरेंस आप दिखाओगे, वो फंसेगा, जवाब नहीं दे पाएगा। तो सीधी बिल्कुल सीधी बात, वो बताने नहीं चाह रहा, वो बंदा एकेडमिक डिबेट की बात बोल कर शुरू में खुद
खुद ही एकेडमिक डिबेट से भाग रहा है, वो रेफरेंसेस पे बात नहीं करना चाहता, मतलब वो सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करता है। आप मोहम्मद की अकल का इतना बेवकूफाना असर देखेंगे इतनी हदीसों में। एक बार क्या हुआ कि कुछ लोग जो है वो पोलिनेशन कर रहे थे, खजूर का वक्त था तो पोलिनेशन कर रहे थे, मोहम्मद साहब जा रहे थे रस्ते से, उन्होंने किसानों को देखा, फार्मर को पूछा ये क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा कि पोलिनेशन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हो, बोला कि ज्यादा फसल के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा मत करो, उन्होंने नहीं किया, रसूल की बात मान करके नहीं किया, तो उनकी फसल बर्बाद हो गई। बाद में जब फसल बर्बाद हो जाती है तो वो जाते हैं लोग मोहम्मद के पास के आपने तो रसूलुल्लाह ऐसा कहा था कि फसल अच्छी होगी, पोलिनेशन मत करो, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझसे दुनियावी बातों की मशवरा मत लिया करो, मुझसे तो तुम गैब यानी अल्लाह की बात का मशवरा लिया करो। मतलब वो कुछ भी अपने मन से बोलता था, ठीक है ना, और ऐसा बेगैरत, ऐसा निकम्मा इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। अभी मैं एक आर्टिकल लिख रहा था मोहम्मद के ऊपर, स्केल लिखा मैंने अभी कि मोहम्मद नबी क्यों नहीं हो सकता, तो मैंने उसमें मूसा और ईसा का भी मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो मोहम्मद ने कभी भी क्षमा नहीं मांगी, मोहम्मद ने कभी भी जो है, इसे कहते हैं मोहम्मद को ये लोग के पूरी कायनात के लिए आया है, यानी रहमतुलिल आलमीन, पूरे आलम पर रहमत बन करके आया ना, जो पूरे आलम में जो भी जानवर इंसान जो भी लोग हैं उन पर रहमत के लिए मोहम्मद पैदा हुआ। तो यार आप ये देखिए मोहम्मद की आप अगर लाइफ स्टोरी पढ़ेंगे उसमें सीधे तौर पर है कि उसने सिर्फ अपने ग्रुप अपने कल्ट के लिए उसने रहमत दिखाई है, वो भी मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए। बाकी कुरान में 125 बार कत्ल करने का हुक्म है, ठीक है, कत्ल करने का हुक्म है, कत्लो कताल जंदो जदाल जिहाद इसी से भरा पड़ा है सर, टोटल यहीं से भरा पड़ा है, ठीक है। तो भाई आप पहले अपने गिरेबान में झाके, जितने भी मुसलमान सुन रहे हैं पहले अपने गिरेबान में झाके, पहले खुद को सही करें, उसके बाद दूसरे मजहब पर या दूसरे धर्म पर आप उंगली उठाएं, ठीक है जी। बस आजाद भाई यही बात करनी थी, इसको भगाओ। हाँ ओके, मैं अब बोल दूं। चलो डाबर भाई, अब मुझे तो बोलने दें। नहीं नहीं, आप प्यार बात नहीं कर रहे हो ना, आपके पास कोई रेफरेंस पे बात करने की हिम्मत है नहीं ना। डाबर भाई, आजाद भाई मेरे प्यारे, आपको अगर किसी रेफरेंस पे बात करना है, रेफरेंस पे बात करना है तो बताइए, अदरवाइज मैं सीधे हटाता हूँ भाई। मेरे आपका चैनल प्रमोशन बहुत हो गया, अगर आपको दम है रेफरेंस पे बात करने की तो आपको ऑलरेडी ये रेफरेंस दिखा चुके हैं, बताइए रेफरेंस पे बात करोगे। मैं सारी बातों का जवाब दूंगा अगर आप में कह रेफरेंस पे बात करोगे। हाँ मैं दूंगा, लॉजिकल दूंगा। और चलिए चलिए ले लीजिए एक मिनट, लेकिन शर्त ये है कि एक मिनट से पहले कोई रोकना नहीं चाहिए। ठीक, पहली चीज सबको ये दिखी गया होगा कि किस तरीके से बैक स्टेज करके और आपस में बातें कर जा रहे हैं, मुझे तो बोलने का मौका नहीं दिया। अब ये बात करने के लिए तुझे एक मिनट दिया, चल निकल।